विल डू नंबर्स फिर कलर्स एक्टिविटी. ओके सो हमने यहाँ पे कलर्स नंबर्स लिए हैं 1 to 10 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और ये सभी 10 कलर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर किए हैं. ऐसे ही सेम हमने ये नंबर्स लिए हैं और इनमें भी इसी तरह से डिफरेंट कलर करेंगे. जैसे हमारा नंबर 1 इसमें कौन सा कलर है, येलो कलर. तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखो नंबर 1 कहाँ है, ये क्या है, 1 फ्लावर. सो ये क्या हुआ नंबर 1. तो हम नंबर 1 में कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर, क्योंकि नंबर 1 में येलो कलर है. सेम ऐसे ही येलो कलर करेंगे. ओके सो हमने ये येलो कलर कर लिया. अब नेक्स्ट नंबर 1 के बाद क्या आएगा, नंबर 2. एंड नंबर 2 में कौन सा कलर है, नंबर 2 में है पिंक कलर. तो अभी हम नीचे फाइंड करें नंबर 2 कहाँ है, ये 2, नो ये तो 3 स्टार्स हैं, 1, 2, 3. सो ये 2 नहीं है. एंड दिस यस ये क्या है, कैंडीज. एंड कितनी कैंडीज हैं, 2, 1 और 2. तो अब हम इसमें कौन सा कलर करेंगे, पिंक कलर. सो ये हमारा हो गया नंबर 2. अब नेक्स्ट है नंबर 3. नंबर 3 में कौन सा कलर है, स्काई ब्लू. सो अब ये स्काई ब्लू कलर करेंगे. सो फाइंड द नंबर 3. सो ये कितने स्टार है, 3. तो इसमें हम करेंगे स्काई ब्लू कलर. तो ये हमारा नंबर 3 हो गया. अब नेक्स्ट है नंबर 4. नंबर 4 में कौन सा कलर है, रेड कलर. तो अब हम नंबर 4 फाइंड करें. सो ये डॉट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. ये तो 5 डॉट्स हैं. सो हमें देखना है 4. सो काउंट करें, 1, 2, 3, 4. ये कितनी बॉल्स हैं, 4. तो इसमें हम करेंगे रेड कलर. सो ये हो गया हमारा नंबर 4. अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 5. नंबर 5 में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर. सो अभी हमने देखा था 5 में कितने डॉट्स आ रहे हैं, ये 5 डॉट्स. तो ये है हमारा नंबर 5. इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे. सो ये हो गया हमारा 5, नंबर 5. अब 5 के बाद है नंबर 6. सो 6 फाइंड करें. ये तो हमारा 9 है. एंड दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये है नंबर 6. तो इसमें हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे. सो 6 के बाद क्या है हमारा नंबर 7. और 7 में कौन सा कलर है, ब्राउन कलर. तो अब हम 7 में करेंगे. सो ये हमारा हो गया ब्राउन कलर नंबर 7 में. अब 7 के बाद है 8. 8 में कौन सा कलर है, लाइट ग्रीन. तो यहाँ हमारा नंबर 8 कहाँ है, ये तो 9 है. एंड ये 10. एंड दिस काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर. सो हमारा ये कलर नंबर हो गया 8. अब नेक्स्ट क्या है, 9. 9 में कौन सा कलर है, ब्लू. तो अब हम करेंगे ब्लू कलर नंबर 9 में. तो ये हो गया हमारा नंबर 9. 9 के बाद क्या है, 10. और 10 में कौन सा कलर है, पिंक कलर. तो हम नंबर 10 में करेंगे पिंक कलर. सो ये हमारा हो गया नंबर 10. तो हमारी ये हो गई नंबर 5 कलर्स एक्टिविटी. किड्स, तो आज हम करेंगे हमारे बॉडी पार्ट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जो कि है हमारे हैंड्स. तो ये देखो हमारे कितने हैंड्स होते हैं, 1 and 2. और इसमें कितनी फिंगर्स होती है, 10 फिंगर्स. हमें राइम भी दिया हुआ है, 10 लिटिल फिंगर्स. तो हमारे हैंड में हमारी फिंगर्स हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए. हम राइट इसी से करते हैं, हम फूड भी इसी से ईट करते हैं और हम क्लैप भी इसी से करते हैं. हमारे हैंड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको मालूम है हमारे हैंड में क्या क्या होता है, हमारी फिंगर्स होती हैं, एक थंब भी होता है. और ये किससे कनेक्ट होती है, हमारी पाम से. ये है हमारी पाम. ओके और क्या है हमारे हैंड में, हमारे हैंड में है हमारा थंब.
तो थम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब किसी को कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, कोई बूस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, थम्स अप करते हैं ना हम, थम्स अप। ऑल द बेस्ट भी हम ऐसे कहते हैं, हमारा ये है थम। उसके बाद क्या है, उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट फिंगर, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर से हम क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फिंगर है, पर हम जैसे कभी किसी को एकदम से पॉइंट आउट करते हैं, कई बार हम ऐसे करते हैं फिंगर पॉइंट आउट करने के लिए, अगर मैम आपको पढ़ा भी रहे हैं तो मैम ऐसे बताएंगे लुक हियर, जब भी हम बताएंगे किसी चीज को, तो ये है हमारी इंडेक्स फिंगर जो हमें हेल्प करती है पॉइंट आउट करने के लिए। ऐसे ही है हमारी सेकेंड फिंगर। सेकेंड फिंगर देखो सबसे टॉलेस्ट फिंगर होती है हैंड की, सेकेंड फिंगर होती है सबसे टॉलेस्ट, और इसे हम कहते हैं मिडल फिंगर। ऐसे ही थर्ड फिंगर, थर्ड फिंगर का क्या पर्पस होता है, इसमें हम जनरली रिंग्स वियर करते हैं। रिंग्स आप किसी भी हैंड में वियर कर सकते हो, आजकल तो ट्रेंड थम्स पे भी है कि रिंग वियर करें, पर मेन जो ये फिंगर होती है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसी में हम रिंग वियर करते हैं। और ऐसे ही लास्ट फिंगर कौन सी है हमारी, लिटिल फिंगर। और लिटिल फिंगर को हम और क्या कहते हैं, पिंकी फिंगर। ओके, और हमारे हैंड्स में क्या होता है, फिंगर्स के साथ यहाँ पे आप देखो, इन्हें हम कहते हैं फिंगर टिप्स। क्या कहते हैं इन्हें, फिंगर टिप्स। ऐसे ही थंब पे भी है टिप और फिंगर्स पे भी है फिंगर टिप। इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, हम ड्रॉइंग करते हैं ना इससे, पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, थंब पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग हम ऐसे करते हैं डॉट डॉट से, और थंब से हम डायरेक्टली थंब पेंटिंग करते हैं। और कहाँ यूज होती है हमारी ये टिप्स, टिप्स हमें सेंसरी में यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को हम टच करेंगे तो हम ऐसे तो नहीं पूरा टच कर लेंगे हैंड से, हम टिप से ही पहले टच करते हैं ना, तो ये हमें फील करके हमें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है। तो ये है ना ये यूजफुल। और क्या होता है हमारे हैंड में, हमारी हैंड में हमने पाम किया, हमने फिंगर्स की, हमने थंब भी किया, और क्या है यहाँ पर है नेल्स। इनके पॉइंट पे क्या होते हैं, नेल्स, और जिन पे गर्ल्स नेल पॉलिश भी वेयर करती हैं उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये है हमारी नेल्स, और ये है हमारी फिंगर, ये है हमारी पाम, ये सब कनेक्ट है हमारी रिस्ट से, और रिस्ट कनेक्ट है हमारी आर्म से। ओके, और हमारे हैंड्स में क्या होता है, फिंगर्स के साथ यहाँ पे आप देखो, इन्हें हम कहते हैं फिंगर टिप्स। क्या कहते हैं इन्हें, फिंगर टिप्स। ऐसे ही थंब पे भी है टिप और फिंगर्स पे भी है फिंगर टिप। इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं ना इससे, पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, थंब पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग हम ऐसे करते हैं डॉट डॉट से, और थंब से हम डायरेक्टली थंब पेंटिंग करते हैं। और कहाँ यूज होती है हमारी ये टिप्स, टिप्स हमें सेंसरी में यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को हम टच करेंगे तो हम ऐसे तो नहीं पूरा टच कर लेंगे हैंड से, हम टिप से ही पहले टच करते हैं ना, तो ये हमें फील करके हमें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है। तो ये है ना ये यूजफुल। हेलो वाओ किड्स, तो किड्स आज हम करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, जो भी इसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट है उन्हें टिक मार्क करना है। यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट भी है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, तो आपको उनमें से गैस करके वाटर ट्रांसपोर्ट पर टिक मार्क करना है। फर्स्ट है मोटर बाइक। तो मोटर बाइक कहाँ चलती है, मोटर बाइक चलती है रोड पे, तो इसलिए ये हमारी क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है सबमरीन। सबमरीन कहाँ चलती है, गैस वाटर पे। ओके, और सबमरीन तो वाटर के अंडर भी ड्राइव करती है एंड वाटर पर फ्लोट भी करती है, तो सबमरीन क्या हुई, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हम सबमरीन में टिक मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है कार। तो कार क्या होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कार कहाँ चलती है, रोड पे, तो ये क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वाओ किड्स, नेक्स्ट है ट्रेन। तो ट्रेन क्या होती है हमारी, वाटर ट्रांसपोर्ट होती है या लैंड ट्रांसपोर्ट, यस लैंड ट्रांसपोर्ट। तो हम इस पे टिक मार्क करेंगे क्या, नो। नेक्स्ट है सेलबोट। तो सेलबोट क्या होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट, यस वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सेलबोट पर हम क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। और सेलबोट हम किससे चलती है, विंड से,
जिस साइड विंड होती है वो उसी डायरेक्शन में चलती है. ओके नेक्स्ट है ट्रक. तो ट्रक क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये भी क्या रोड पे चलता है. ओके तो इस पे हम टिक मार्क नहीं करेंगे, केवल हमें वाटर ट्रांसपोर्ट पर टिक मार्क करना है. नेक्स्ट है पुलिस कार. तो पुलिस कार क्या होती है? लैंड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट? पुलिस कार होती है लैंड ट्रांसपोर्ट. तो हम टिक मार्क करेंगे क्या? नो, क्योंकि हमें तो करना है वाटर ट्रांसपोर्ट पर. और नेक्स्ट क्या है? यॉट. तो यॉट क्या होती है? वाटर ट्रांसपोर्ट. और यॉट में हम 5 to 7 days तक ट्रेवल कर सकते हैं. तो हम यॉट को क्या कर देंगे? टिक मार्क. ओके क्योंकि ये क्या है हमारा? वाटर ट्रांसपोर्ट. तो नेक्स्ट है बाइसिकल. और बाइसिकल भी क्या होती है? लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके तो अब हम इससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी करते हैं. तो फर्स्ट है सबमरीन बोट. तो सबमरीन बोट वाटर के अंदर भी ड्राइव करती है एंड वाटर पर भी फ्लोट करती है. यहाँ पर सबमरीन बोट का हाफ पार्ट दिया हुआ है, तो आपको इसको हाफ पार्ट से मैच करना है. तो देखो सबमरीन का हाफ पार्ट कहाँ है? ये है क्या? नो, ये नो, ये देखो ये. यस, सबमरीन का हाफ पार्ट कहाँ है? ये रहा. तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. ओके तो हमने सबमरीन बोट का हाफ पार्ट मैच कर दिया. नेक्स्ट है शिप. तो किड्स ये भी क्या होता है? एक वाटर ट्रांसपोर्ट. तो शिप में हम भी ट्रेवल कर सकते हैं एंड गुड्स को भी कैरी कर सकते हैं. और शिप का क्या है यहाँ पर? हाफ पार्ट. तो हमें इसके दूसरे हाफ पार्ट से मैच करना है. ओके तो देखिए इसका हाफ पार्ट कहाँ है? ये नो, ये है क्या? नो, ये यस है शिप का हाफ पार्ट. तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. तो हमने शिप के हाफ पार्ट को मैच कर दिया. नेक्स्ट है यॉट. तो यॉट भी हमारी एक वाटर ट्रांसपोर्ट होती है और यॉट पे हम 4 to 5 days तक ट्रेवल कर सकते हैं. अब ये क्या है? यॉट का हाफ पार्ट. तो हमें क्या मैच करना है? यॉट के हाफ पार्ट से. ओके तो देखिए कहाँ पर है? ये है क्या? नो, ये नो, ये है क्या? यस, यॉट का हाफ पार्ट ये है. तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. हमने यॉट के हाफ पार्ट को मैच कर दिया. ओके नेक्स्ट है रोबोट. तो रोबोट भी क्या होती है? वाटर ट्रांसपोर्ट. और रोबोट किसकी बनी हुई होती है? वुडन की. और इसमें 2 pedal होते हैं. ओके तो रोबोट का यहाँ पर क्या है? हाफ पार्ट. तो हाफ पार्ट से मैच कर दे रोबोट को. तो रोबोट का हाफ पार्ट ये रहा. तो हमने इसको मैच कर दिया. ओके नेक्स्ट है सेलबोट. तो सेलबोट किससे चलती है? विंड से. ओके जिस तरफ विंड होगी उसी डायरेक्शन में सेलबोट चलेगी. ओके तो सेलबोट का हाफ पार्ट ये रहा. तो हम सेलबोट को उससे मिला देंगे. ओके तो हमने यहाँ पर सेलबोट के हाफ पार्ट से मैच कर दिया. तो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट. हेलो वाओ किड्स, आज हम प्ले करेंगे लर्निंग गेम. तो ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप घर पर भी प्ले कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. तो हमारी बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 1. तो नाउ जंप नंबर 1 एंड आफ्टर नंबर 1 नंबर 2. अब हम जंप करेंगे नंबर 3 and next number 4, up number 5. So अब आगे क्या है? ये देखो zigzag line. अब हम इसी line के according चलेंगे और हमारा पैर out नहीं होना चाहिए line से. okay so हम इसे outside नहीं होंगे और इस तरह से line पे चलेंगे. now अब क्या है? circle, round सर्कल. तो अब हम ये राउंड राउंड होंगे एंड लाइक दिस. यस अब नेक्स्ट क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन. सो नाउ स्ट्रेट एंड अब क्या है? हॉप. हॉप में हम किस तरह से हॉप होंगे? लाइक दिस, ओनली 1 leg. अब
हॉप। अब नेक्स्ट हॉप, सो हॉप एंड नेक्स्ट स्टॉप। तो ये हमने अपना गेम फिनिश कर लिया, तो आप ऐसे ही गेम अपने घर पर भी प्ले कर सकते हैं। ओके, हेलो वाओ किड्स। तो किड्स आज हम करेंगे थ्रेड पेंटिंग एंड इसके लिए हमने लिए हैं वाइट पेपर एंड थ्रेड और कुछ कलर्स लिए हैं एंड ब्रश लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं।